ये देख सकते हैं गाइस, एक मछली फंस गई है, ये देख सकते हैं गाइस, इधर भी मछली एक मिल गई है, देख सकते हैं। ये देख सकते हैं एक और है, गजब का टेस्ट है साथियों, देख सकते हैं यहाँ पर। बहुत गर्म है गाइस। साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और साथियों आज हम अपने दीदी के यहाँ हूँ, जिज्जी के यहाँ। तो देख सकते हैं वहाँ पे मैं सो रहा था, इसके बाद तो अभी उठे हुए, लाइट नहीं थी तो बाहर सो रहा था। बाहर भी खटिया बिछी हुई, आप लोग देख सकते हैं उधर। तो साथियों भी ब्रश कर रहा हूँ, देख सकते हैं देसी ब्रश है, मुखारी, हम लोग मुखारी इसको बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं गांव में, ऐसे चलता है, पहाड़ है ये। तो साथियों घर में, घर से आते टाइम वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि तो समय ज़्यादा हो गई थी। तो अभी यहाँ से मतलब कपूरी से चालू कर रहा हूँ, केवटी के आगे है कपूरी, तो वहाँ से भी ब्लॉग अपना चालू कर रहा हूँ। तो चलिए दिखाते हैं अपना दीदी का घर और कैसा था इस घर का जो उद्घाटन हुआ रहा था, हम आए थे तो वीडियो हमारी बनी हुई थी, उसमें आप लोग ने देखो, देख लीजिएगा कि केवटी फॉल के नाम से था क्योंकि घूमने वगैरह जाता है, ये वाला घर बना हुआ था उस समय। और इधर बगिया लगी थी, काकड़ी खीरा जो था वो लगा, अभी कुछ नहीं है, अभी तो सब उजड़ गया है। तो देख सकते हैं यहाँ काफ़ी जगह है यहाँ पर, चलिए बैक कैमरा थोड़ा दिखाते हैं। सकते हैं यहाँ पर बगिया लगी हुई थी उस समय जो आया था, देखा था। तो ये साल भर बाद यहाँ आए हैं, देख सकते हैं पूरा उजड़ गया है जो है, तो थोड़ा बहुत सब लगा हुआ, टमाटर वगैरह सब। वो रिया है, रिया कितनी छोटी थी कितनी बड़ी हो गई, कहीं मेरा बेटवा है, आप लोग जानते ही हैं इसको, हराम खोर लड़का है ये। चुच्चे हवा ना निकालना, हवा निकाल रहा। तो गाय चलिए देखते हैं जी लोग क्या कर रही हैं वहाँ पर। तो गाय यहाँ पर पहाड़ पूरा है पत्थर का, मतलब वो है, यहाँ से रोड भी निकल चुकी है, यहाँ देख सकते हैं वहाँ पर गोदाम बियर हाउस बन चुका है, वहाँ बहुत सारा है, ये पूरा पहाड़ में घर बना, वो सरकारी जगह थी तो यहाँ बना है घर। तो इधर जी लोग हैं तो ईंटा पाड़ रही हैं, देख सकते हैं ईंटा, इलाहाबादी ईंटा, इलाहाबादी है जी, उषा कंपनी का, देख सकते हैं यहाँ पर हम। चलिए आपको लोगो दिखा देते हैं, ये माटी है, बहुत दूर से माटी लाते हैं ये लोग, ये उषा कंपनी का गाइस बना हुआ है, ये देख सकते हैं उषा कंपनी का, हाँ जी जी बनवाला है ईंटा, ये देख सकते हैं उषा, सेम ईंटा वही है जो हम लोग बाजार से खरीदते हैं, सेम वही है, ये माटी है। नैना गोरी, इधर नैना गोरी बैठी हुई है, देख रहे तमाशा। एक दिन की ईंटा पारा जी जी, यह टोटल गाय देख सकते हैं 6 रोज मतलब ईंटा पा रही हैं, तो 6 रोज में इतना ईंटा ये हो गया है, इतना ये है, इतना ये फैला हुआ है यहाँ पर, ये देखें घर के पास ही है। वहाँ पर बाउली आपको दिखाएंगे किसी टाइम, बाउली वहाँ पर है, पानी वानी वहीं से आता है, हम लोग वहाँ नहाते भी थे पहले। बेचा का खबर नहीं कितना काहे जिले थोड़ी था, अरे हम खुद इतना मेहनत लगा था भाई, ईट पर हां हां देखे आऊ रे, हां धुआन हां किसे को मेहनत तो है, गाड़ी लेकर जाओ अपने घर, अपने घर में रखना, घर में ले जाओ, पेटी के नीचे लुका दे। ए तुम भी पारोगे, ईटा पारोगे, बेटा कमाई कर रहा, देख सकते हैं बुआ का हेल्प करा रहा है, हेल्प क्या कर रहा है, आगे लगा रहा है, अरे हरामखोर ये काम कर रहा है। ये मुस्कान आ गई है, ये मुस्कान, हाँ तो ये मुस्कान, ये देखो बाय करो, बाय करो, इधर बाय करो, इधर वहाँ नहीं ले जाना है, वहाँ नहीं ले जाना है, वहाँ नहीं ले जाना है, यहाँ पर पत्थर डालने की जरूरत नहीं है, देख सकते हैं ये पूरा पहाड़ का पत्थर है, पत्थर डालने की जरूरत नहीं है नहाने वहाने के लिए।
यहाँ पर हम ब्रश करेंगे थोड़ा। देखिए ड्रम का पानी यहाँ से डायरेक्ट वहाँ से पानी आता है। ये पूरा पत्थर गाइस, यहाँ देख सकते हैं पूरा पत्थर है। यहाँ कहीं भी धो करके और बैठ के नहाने के लिए बढ़िया। साथियों जा रहे हैं हम लोग वहाँ जहाँ मतलब हमारे जीजा जी प्याज लगाए हैं, तो वहाँ जा रहे हैं बगिया। बगिया बोला थे ना, बगिया जा रहे हैं। बगिया में हालांकि सब हर एक चीज़ होता है, जब बगिया बोला थे तो प्याज में खेती किए हैं प्याज का, तो वहाँ जा रहे हैं। तो हमारे रिसु भी जा रहा है और हम भी जा रहे हैं। चलिए देख के आते हैं वहाँ लोग, आप लोग को भी दिखाएंगे, हम लोग भी देख के आएंगे कि कैसा है वहाँ का, कितना प्याज है, कैसे कैसे। तो गाड़ी निकल गई है, चलिए हम लोग चलते हैं, फिर आज तक थोड़ा नज़ारा दिखाएंगे। ये देख सकते हैं हम लोग जो है तो लाला को वहाँ छोड़ा था, इसके बाद है तो वहाँ से सीधे यहाँ आए, जा रहे हैं मछली मारने के जुगाड़ में। देख सकते हैं छोटू, चलिए बैक कैमरा में थोड़ा दिखाते हैं। देख सकते हैं सोनू, ये छोटू है तो जाल सकेर रहे हैं। ये देखिए तुम सकेला ने कहना देखा यार। ये देख सकते हैं भाई जितना है जाल इसमें भी है। अब हम लोग जाएंगे मछली मारने, तो आप लोगों को दिखाएंगे कि मछली कैसे मारते हैं और क्या कितनी बड़ी बड़ी हैं, वो सब दिखाएंगे आप लोगों को मिलता है तो। ये देखिए कैसे जाल अरहज चुका है और छोटू है तो लगे हुए हैं। नहीं ना यार बड़ा बकर चोली करे तू, हो गया छोर है ना। देख सकते शुद्ध बहुत घाम चल रहा है, 12 बजने वाला एकदम कड़क घाम है। देख सकते हैं इधर, ये हमारे जीजा जी का घर है, सबसे बड़े हैं उनका घर है, ये तालाब में ही है तालाब, वो देख सकते हैं पीछे है तालाब, यहाँ तालाब के ऊपर बैठ हम लोग जाएंगे दूसरे तालाब में मछली मारने। कब नहीं घुसे ना, ले एक छोटा कबर ले ना, बांधेगा जोंक लगा दिखाते गाइस। हम लोग तालाब में घुसे हैं, देख सकते हैं मछली मारने के उसमें हैं और सगले साथ ही देख सकते हैं हम लोग मछली मारने के प्रोसेस में फुल लगे हुए हैं। और छोटू है तो इधर करेंटी में वो लगा रहे हैं, देख सकते हैं क्या बोलते हैं इसको, तराइना, हम लोग तराइना बोलते हैं इसको। ये देख सकते हैं गाइस एक मछली फंस गई है, ये देख सकते हैं, देख सकते हैं पानी में घुसे हुए हैं और हाथ में जाल, एक मछली मिली हुई है और देखते हैं कि आधा घंटे में हम लोग कितना मछली बार पकड़ लेते हैं यहाँ पर। अब ये पूरा तालाब है, आप लोग देख सकते हैं पूरा तालाब है, इससे इतना पानी है मेरे कमर तक मान लो भी नहीं है, मेरे कमर तक पानी इतना नहीं है। ये हम लोग का देसी सेविंग पूल है साथियों, ये फ्री पोकर वाली नहीं, सेविंग पूल में हम पैसा दे के नहाते हैं हम पची। ये अभी इसमें नहाऊंगा लास्ट में, अभी थोड़ा मछली पकड़ने के बाद ही नहाऊंगा साथियों। देखते हैं बिना साबुन शैम्पू का नहाएंगे यहाँ, तो चलिए आप लोग बने रहिए और मछली पकड़ के दिखाते हैं कि कितना कहाँ मारते हैं। एक जाल लग चुका है उधर, दूसरा जाल छोटू लिए हुए हैं और दूसरा जाल इधर से लगेगा, यहाँ यहाँ से बंधेगा एक जाल, देख सकते हैं ये देखिए। चलिए इसको लगाते हुए आपको दिखाते हैं गाइस, जाल इतना ज़्यादा मतलब अरझा हुआ है कि हम लोग परेशान हो रहे हैं इसको लगाने में। देख सकते हैं कितना कचड़ा है, कितना छोटू कितने टाइम से, अभी हम लोग उतनी टाइम से वहाँ से यहाँ तक लगा पाए, अभी तो पूरे तालाब में लगाना है। देख सकते हैं अभी ये देखिए कितना जाल अरझा हुआ है, कोई लगाना मुश्किल पड़ रहा है। चलिए इसको निर्वाह के लगाएंगे, इसके बाद देखते हैं कितना दूर तक लगेगा। जाल है तो लग गया है, अब हम चल रहे हैं दूसरे वाले में जहाँ पर पहले लगाया था, अब वहाँ चल रहे हैं। इधर में फंसने दो, कितनी मस्त फंसती हैं, देख सकते हैं झोला में लिए हैं, एक मिली है, अब उस वाले में चल के देखते हैं कि कितना फंसा है, फिर उसके बाद फिर इधर आएंगे। गाइस इधर भी मछली एक मिल गई है, देख सकते हैं ये हो गया अंदर,
अंदर हो गया, छोटू निकाल रहे मछली और हम इस बोरी में भर रहे हैं। अच्छे से तो बनाया नहीं रहे, ये देख सकते हैं एक और है यहाँ पर, चलिए फाइनली सब मछली निकालने के बाद फिर आप लोगों को दिखाते हैं। साथियों हम लोग मछली जो है तो मार के निकल गए हैं बाहर और ये देख सकते हैं इतना सारा मछली देख सकते हैं साथी, कम से कम नहीं होगा था 6-7 किलो मछली है, 10-10 किलो की मछली। साथियों पैर देख सकते हैं मेरा कितना गोरा हो गया है। साथियों हम लोग वहाँ तालाब से मछली उछली पकड़ के आ गए हैं और देख सकते हैं ये धुआं उड़ा रहे हैं और मछली है और इसके अंदर भी है छोटू क्या है देख सकते हैं इधर मछली अंदर से अंगूरी निकाला। पहुँचवाई छोटू पहुँचवाई पहुँचवा दे तो ठीक है, नहीं तो फिर तेज सब मार के जा भाई कह रहा हूँ। नहीं यार मसाला पीसने में दिक्कत हो रही का नहीं पीसे तो अंदर कर कितना छंजीरा वाला देख सकते हैं मछली कट रही है मछली हमारी, ये देख सकते 3 पीस और बची है, इतना कट चुका है। अब चलिए फटाफट बनता है इसके बाद है तो खा के देखते हैं। देख सकते हैं गाइस यहाँ पर आमा छिला रहा है, ये देख सकते हैं क्या बोलते हैं सुन्ना ये देख सकते हैं। लो तुम भी खाओ इसको, हाँ खाओ ऐसे, इसमें नमक मिर्ची मिलाएंगे हम, देख सकते हैं हमारी बच्ची लोग बढ़िया खा रहे हूँ, ये देखो गाइस फाइनली हमारा मछली जो है तो बन के तैयार है, अभी फ्राई हो रहा है, देख सकते हैं अभी फ्राई हो रहा है, ये देख सकते हैं अभी फ्राई हुआ है। अभी हम लोग थोड़ा इसको खाएंगे और चेक करेंगे कैसा इसका टेस्ट है। ताज़ी मछली है, आप लोग के सामने मार के लाए हैं, उसको फ्राई करके बनाए हैं, देख सकते हैं क्या गजब का मछली है। लो खाओ, ये हमारी मुस्कान है तो खा रही है, ये देख सकते हैं और ये मछली हुई है, अभी उधर फ्राई हो रहा है गाइज, देख सकते उधर फ्राई हो रही है गाइज, मेरा मछली जो है तो बन के तैयार है, देख सकते हैं इधर आगे भी सब बंद हो बुझा दिए हैं, अभी थोड़ा थोड़ा चल रहा है और मछली तैयार हो गई रिया ना होते हैं। हालांकि साथियों मैं यहाँ पर खाना खा ही रहा था, सुबह से खाना नहीं खाया था और वही आम थोड़ा खाया था, फ्राई मछली खाया था, अभी मेरे को भूख लगी है, 5 बजने वाला है तो देख सकते खाना खा रहा हूँ अभी। और रिया सब्जी ना ये देख सकते हैं रिया हमारी ना रही है मूड़, बस अभी एक मूड़ खाएंगे बाद में फिर और पूरा और खाएंगे। मेरा एक ये मूड़ खाऊंगा मैं मछली का मूड़ खाऊंगा और बाकी जो है तो मैं खा चुका हूँ, ये देख सकते हैं पहले निकाल के खा चुका हूँ और इतना थोड़ा सा चावल और नारिया है, थोड़ा खाना खाऊंगा इसके बाद है तो फिर रात में खाऊंगा 8 बजे, तो उतना नहीं आधा रिया अरे हाँ बस सो गया। ये हमारी रिया अभी रोटी बनाएगी, दे आटा लगा हुआ गाइज देख सकते हैं अभी रोटी बनेगी, मैं अपना खाना खाऊंगा। गजब का टेस्ट है साथियों, देख सकते हैं यहाँ पर बहुत गर्म है गाइस। चल तो गाइस ख़त्म करते हैं इसको और मैं अकेला हूँ, जीजा जो है तो नहीं आए हैं, तो अभी फिर यार मैं सभी लोग खाना खा चुके हैं, वो आलू टमाटर सब्जी खाए थे, फिश खा लिया अभी बना हुआ है, तो अभी पहले ही मैं खा रहा हूँ क्योंकि मैं दिन भर खाना नहीं खाया था, अभी खाना वाना खाऊँगा इसके बाद है गाइस। आज मुझे जाना था गाँव लेकिन अपने घर नहीं जा पाया हूँ, तो आज जो है तो गाइस यहीं रुकूँगा जीजा के यहाँ, आज रात में भी रुकूँगा, इसके बाद हम लोग कल सुबह निकलेंगे। तो गाइज वीडियो मेरा कैसा लगा, वीडियो को कमेंट में बताइए गाइज कि वीडियो मेरी कैसी लगी है, अगर आप लोगों को फिश खाना है तो आप प्लीज़ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आ सकते हैं, क्योंकि जी मेरे जीजा के खेत तालाब में जो है तो मछली ढीली हुई है तो खाने के लिए कोई वो नहीं होता है, तो गजब का है। गाजा का स्वाद है साथियों, ये शुद्ध देसी स्वाद है गाइज, एकदम बोलेगा तो देसी स्टाइल में बना हुआ है, सिलवट्टा वहाँ पर रखा हुआ है देख सकते हैं, वहाँ उसमें मसाला पीसा है और है तो
गाय आपका चूल्हा में बना हुआ है, गैस ना वैस कुछ नहीं, चूल्हा में शुद्ध देसी स्टाइल में। तो चलिए गाय आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, और मिलते हैं कोई कल नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों से ले जाते हैं इजाज़त, खाना खाते खाते आप लोगों से विदा लेते हैं गाइज, और खाना है तो कमेंट करिए और मेरे वीडियो को ज़रूर एक लाइक करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय।